और एक्चुअली मैं यहाँ डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से मैं जलंधर गई थी नेशनल लेवल पे, लेकिन यहाँ पे हमें बोलकर लेके गया था मुझे खासकर कि लेटिन सालसा की परफॉर्मेंस के लिए मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन जब वहाँ पे मैं गई तो इन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, और जब मैंने विरोध किया तो वहाँ पे तो मेरा परफॉर्मेंस दिलवा दिया गया, बट जब वहाँ से हम लोग आए रिटर्न के समय में उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट भी रोक लिया, और जब मैंने इसका पूछा, इसका जवाब पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये बदतमीजी है, मिसबिहेविंग है, इसलिए आपका सर्टिफिकेट रोक लिया। किसके द्वारा रोका गया था? ये विनय कुमार की तरफ से। क्या नाम आपका? स्मृति। आई हूँ, वो फॉर्म आप क्यों नहीं करवा रहे? तो बोले कि उसके लिए 10,000 रुपये पे करना पड़ता है। तो मैंने उनको बोला कि 10,000 अगर पे करना पड़ता है तो मैं जहाँ से आई हूँ मैं वहीं पे सोच रही थी कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। तो उन्होंने जब मेरे बहुत बोलने पर, आवाज़ उठाने पर, तो उन्होंने फिर से मेरा फॉर्म फिलअप किया और मेरे जो पार्टनर थे उनके साथ मेरा परफॉर्मेंस दिलवाया गया। हम लोग को वहाँ से आए तो रास्ते में हम लोग के साथ बहुत सारी बदतमीजियाँ हुई, जिसको लेकर मतलब मेरी और विनय सर और सावंत लोगों से बहुत ज़्यादा बकझक हुई, जिसको लेकर उन्होंने मिसबिहेव बताकर मेरा सर्टिफिकेट रोक लिया। जब मैंने उनसे पूछा कि मिसबिहेव क्या हुआ जो आपने मेरा सर्टिफिकेट रोका, तो उन्हें कुछ बच्चों का नाम इंक्लूड किया गया और बोला गया कि इन लोगों का सर्टिफिकेट रोक गया है क्योंकि इन लोग मिसबिहेव किए हैं। जब मैंने बोला कि इनकी सचिव यानी कि सावंत कुमार की तरफ से भी हमारे साथ मिसबिहेव हुआ है, उनके बारे में आपका क्या कहना? तो उनका कहना है कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ठीक है, आप भी माफ़ीनामा लिख कर दीजिए और वो भी देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एग्री हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं सर्टिफिकेट तब लूँगी जब वो मुझे माफ़ीनामा लिख कर देंगे, और मैं भी दूँगी, और जब वो माफ़ीनामा मैं दूँगी और वो देंगे तभी आप मेरा सर्टिफिकेट वहाँ से इशू करिएगा। बोले ठीक है। जब ये बात मैंने कहा तो दूसरे दिन उन्होंने बिना कुछ बोले ये मेरा सर्टिफिकेट मुझे घर तक पहुँचाया बिना बोले। यहाँ पे फिर जलंधर के लिए जब गए तो फिर वहाँ पे हम लोग जब डांस का टाइम था तो उन्होंने कहा क्या कि फिर थोड़ा दिन तो डांस होगा, पहले मैं डांस पास करवाया, बोलते थोड़ा दिन तो डांस होगा, तो हम वहाँ बहुत देर वेट किए तो लास्ट में बोलते हैं क्या तुम्हारा डांस मिस हो गया, तुम्हारा डांस अब नहीं हो पाएगा, एक काम करो तुम चलो ट्रेन में। तो ट्रेन में आए तो ट्रेन में आके सावंत सर हमको बोले कि तुमको पहले हमको मेडल दे दिए, तो बोले क्या हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बोले हम बोले सर्टिफिकेट, पहले हम उनको बोले कि मैं डांस क्यों नहीं हुआ, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो बोले क्या कि ठीक है तुमको मेडल दे रहे हैं और सर्टिफिकेट आगे होगा तुमको देना। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका।